हाँ, रोज की मेट्रो होते हैं, दो चार आदमी की डेड बॉडी डेली के आते हैं, और ये आते हैं ये रोड की कमी से। दो आदमी मरे बराबर हो गए, एक वहां पे ही मर गया। मेवात में खूनी रोड के नाम से मशहूर दिल्ली अलवर हाईवे अब तक ना जाने कितने घरों का चिराग बुझा चुका है, लेकिन सरकार इस हाईवे को फोरलेन करने को लेकर गंभीर नहीं है। इस रोड पर मेवात के लोग आए दिन सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। असाईसी का गांव के पास आज फिर एक डंपर ने एक एल्टो कार को इस कदर टक्कर मारी कि एक युवक की मौके पर ही जान चली गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों की भी रूह कांप उठी। डंपर की टक्कर से एल्टो गाड़ी पूरी तरह टूट गई। मरने वाले युवक का नाम अब्बास है, जो कि अटेरना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक अब्बास के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको पालने की जिम्मेदारी अब्बास के कंधों पर थी। जानकारी के अनुसार मृतक अब्बास और उसके कई साथी एल्टो कार में सवार होकर दिल्ली अलवर हाईवे से नूह की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार असाईसी का गांव के समीप पहुंची, तो एक बेकाबू डंपर ने सामने से उसमें इस कदर टक्कर मारी कि गाड़ी पूरी तरह टूट गई और अब्बास की मौत हो गई, जबकि उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक अब्बास के गांव के रहने वाले मुबारक का कहना है कि सरकार दिल्ली अलवर हाईवे को फोरलेन करने में मेवातियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस मुद्दे को मेवात के लोग कई बार उठा चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंगती। ये रिपोर्ट देखिए। हम पहले भी इस रोड के लिए काफी संघर्ष कर चुके हैं, लगातार हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन ये जो रोड है आए दिन किसी न किसी घर को बिल्कुल बदतर कर देता है, क्योंकि जिस परिवार का हेड ही इस दुनिया से चला जाए, आज मेरे गांव का एक बंदा जो हंसता खेलता परिवार है उसको उजाड़ दिया इसी रोड ने। और ये रोड आए दिन ऐसे, मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में 2000 इससे लेकर 3000 परिवारों को इस रोड ने बिल्कुल बेघर कर दिया है। और इस रोड की हमारी सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही, हमेशा अनदेखी कर रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हमारे लीडरों में कमी है कि हमारे लीडर अच्छी तरह अपनी मांग नहीं रख पा रहे हैं, या सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पता नहीं इस चीज का। तो लेकिन ये रोड हमारे लिए जी का जंजाल बना हुआ है, पता नहीं कब इस रोड से हमें आजादी मिलेगी। क्या नाम था मरने वाले का? मरने वाले का नाम अब्बास खान है, हाजी गुलखा का लड़का है, और हंसता खेलता परिवार था, और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बीतेगी उनके परिवारों पर। हम तो सवार ये एल्टो कार है, एल्टो कार है, और एक डंपर है जो हाईवे इस रोड पे एक मौत बन के घूम रहे हैं इस रोड पे आए दिन। दिन में ना ओवरलोडिंग सारी चीजें उनका, तो मतलब उनकी ओवर स्पीडिंग इतनी हो रही है कि इस रोड पे आए दिन किसी ना किसी की लाश हमें उठानी पड़ रही है। कल शाम को ही हमने दो डेड बॉडियां अपने गांव के पड़ोस से ही उठाई हैं, और हर दिन इस रोड पे ये समझो कि ये हमारे लिए जी का जंजाल बना हुआ है, हमारे लिए हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है ये।